Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. When an arrogant rude boy pretends to be a lovely boyfriend with his just to be get his revenge. Ki part twisted karne wale hum to fir chaliye ab start karte hain hum. Taung jo Jungkook ki warning ki wajah se bahut hi zyada dar gaya tha ki ab uski life mein kya hoga aur uski life ab kaise chalega aur is wajah se Taung bahut hi zyada dar raha tha. Next day bhi रेगुलर की तरह ही आज भी सुबह सुबह डोरबेल बज रहा था. तब Taung सोचता है कि शायद आज भी Jungkook उसके लिए फ्लावर और एक लेटर को भेजा है. फिर Taung जेटेड होकर अपना आइस को रफ कर दोहे जाकर डोर को ओपन कर देता है. पर तभी कोई उसे अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और तुरंत उसके लिप्स को पकड़ लेता है. तब Taung सडन एक्शन की वजह से पूरी तरह से शॉक था और वो तुरंत अपने सामने वाले इंसान की तरफ देखता है. तब Taung अपने आइस को ओपन करके जो बिग डू आइस के साथ अपने आइस को मिलाता है. तब Taung सिर्फ फ्रेज होकर उसकी तरफ ही देख रहा था. पर अचानक से Taung अपने सेंस में आ जाता है और बार बार Jungkook के सिर पर स्लैप मारने लगता है. तब Jungkook किस तो ब्रेक नहीं करता है पर वो Taung को एग्रेसिवली किस करते हुए अपने आइस को बंद करके Taung को घर के अंदर लेकर जाता है. तब Taung जो Jungkook के हाथ से बार बार छुटकारा पाने की कोशिश करता है पर उसकी हर एक ट्राई पूरी तरह से बेकार चला जाता है और Jungkook जो चाहता था उसे वही करने देना पड़ता है. फिर Jungkook जब किस करके सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो सोले किस को ब्रेक कर देता है. तब Taung उसके फायदे लेकर जल्दी से Jungkook को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और जल्दी से दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है. पर Jungkook जो बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट था और वो तुरंत जो पीछे से आकर Taung के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे बाहर की तरफ दौड़ने नहीं देता है. तब Taung जो चिल्ला कर कहता है मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो पर Jungkook उसकी बात को नहीं सुनता है और Taung को इसी तरह से पकड़ते हुए डोर के पास लेकर जाता है. तब Taung जो एक बार भागने की ट्राई करता है पर Jungkook इतनी ज़्यादा टाइटली उसे पकड़ कर रखा था कि उसे अपने वेस्ट में भी पेन फील हो रहा था. उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे Jungkook उसे अभी मार डालेगा उसकी हड्डी को पूरी तरह से तोड़ देगा. तब Jungkook Taung को ऐसी तरह से पकड़ते हुए जो डोर को बंद कर देता है और डोर को लॉक करते हुए तुरंत Taung को डोर के साथ पिन कर देता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है क्या हुआ है मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो. तब Taung Jungkook की तरफ देखता है और डरते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. तब Jungkook कहता है मुझे क्या सुख कर आना चाहिए था और उसके बाद तुम्हारे फायदा लेना चाहिए था. और यह कहकर Jungkook Taung की आर के पास चला जाता है और उसकी आर को लीक करने लगता है. तब Taung Jungkook के हाथ को फिर से जुटाने की कोशिश करता है और चिल्ला कर कहता है मुझे छोड़ दो तुम अब मुझे हैरेसमेंट कर रहे हो. तब Jungkook जब अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है जिस हंसी को सुनकर Taung की पूरी फेस रेड हो जाता है क्योंकि Jungkook के हंसी की आवाज़ सुनकर वो अपने स्टमक में कुछ फील कर पा रहा था. तब Jungkook अपने कोल वॉइस में कहते हैं क्या हुआ है बोलो बोल नहीं पा रहे हो ना क्योंकि मैं जानती हूँ जीवन Jungkook से कोई इतनी ज़्यादा बुरी तरह से रिजेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और दूर जाने के बारे में इस बारे में तो बातें ही ना करो क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जीवन Jungkook हूँ जिसे कोई भी आज तक मना नहीं किया है और जबकि मैं तुम्हें सुस किया हो तो फिर तुम लकी हो कि मैं तुम्हें सुस किया हो बिकॉज हर कोई इंसान मेरे पास आने के लिए तरसता है. तो फिर अपनी खुशियाँ को मनाओ और जल्दी से मुझे एक्सेप्ट करो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा. तब Taung Jungkook की बातों को सुनकर डर जाता है पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी तुम जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मैं तुम्हें देखकर ही समझ सकती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा बदतमीज हो और उसके साथ तुम एक प्ले बॉय भी हो. तब Jungkook अपने जो हाथ फ्री था उस हाथ को सोले सोले Taung के वेस्ट की तरफ लेकर जाता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींच लेता है. तब Taung डर जाता है. तब Jungkook और Taung की लोअर बॉडी जो टेस्ट हो रहा था और Jungkook अपने डीप वॉइस में कहता है रियली तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे ठीक है मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रही हूँ या तो मुझसे अच्छे अच्छे में एक्सेप्ट करो और अगर नहीं करते हो तो फिर आई एम रियली सॉरी बेबी बॉय पर मैं क्या कर सकती हूँ मुझे मेरी सेकेंड ऑप्शन चूज करना होगा. तब
बताओ जो घबरा तुहे क्या था, तुम्हारे सेकंड ऑप्शन का मतलब क्या है। तब जिनको घसते हुए क्या थे, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें फोर्स करूँगी और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास से रह जाओगे और शायद इससे भी ज़्यादा बुरा बन जाएगा और तुम मेरी साइको बिहेवियर को देखोगे और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर मैं जो कह रही हूँ वो अच्छे अच्छे में मान लो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे भी फोर्स करना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं करना चाहती तो फिर मैं एवरीडे यहाँ पर फ्लावर लेकर तो बिल्कुल भी नहीं आती। मैं तुम्हें फर्स्ट डे ही यहाँ पर तुम्हारी खुद के घर में, तुम्हारी खुद के रूम में तुम्हें फोर्स कर सकती थी और उसके बाद मुझे शायद और नहीं बोलना होगा कि उसके बाद तुम अपने आप ही मेरे हो जाते। तो फिर अब अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं ये सब कुछ करूँ तो फिर अब अच्छे से मुझे एक्सेप्ट कर लो, यही अच्छा होगा। तब तंग सुनकर उसके आई सासनक से रेड होने लगता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो, मुझे सब कुछ नहीं पसंद। तब जंगकुंग तंग की नेक के स्मेल को इन्हेल करते हुए कहते हैं, तो फिर किस तरह से पसंद, और भी बैड तरीके से चाहते हो। तब तंग कहते हैं, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें, प्लीज़ मेरे पास से दूर रहो। तब जंगकुंग जिस बार गुस्से में तंग के हाथ को थोड़ा सा जोर से पकड़ लेता है, जिस वजह से तंग को अपने हाथ में और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तब जंगकुंग कहते हैं, वार्निंग मीन्स वार्निंग, और तुम्हारे पास सिर्फ टू ऑप्शन है, मुझे एक्सेप्ट करते हो या तो मैं तुम्हें इसमें फोर्स करूँगी, और ये बात याद रखना, अपने ब्रेकफास्ट किया हो। तब तंग नाम अपना सिर हिला देता है। तब ये सुनकर जंगकुंग से स्माइल करता है और उसके बाद ओम जो तंग को कहते, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साथ करें। तब तंग कहते, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तब जंगकुंग फिर से अपनी कोल भाषा में कहते, मेरी बातों को सुनकर चलोगे, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरी बातों को ना सुनकर चले। अगर ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बुरा करूं तो फिर सिर्फ मेरी बातों को सुनकर चलोगे, वरना तुम जानते भी नहीं हो मैं कितनी ज़्यादा बुरा बन सकती हूँ। तब जंगकुंग की बातों को सुनकर तंग और भी ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए हमें अपने सिर लाता है। तब इसे देखकर जंगकुंग के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और कहता है, दैट्स लाइक ए गुड बॉय, तुम आगे जाकर बहुत ही अच्छा बन सकते हो मेरे लिए, और मैं ऐसे इंसान को पसंद करती हूँ जो लोग मेरी बातों को सुनकर चलता है, अगर पनिश बना नहीं चाहते हो तो। तब तंग फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुंग जो तंग को छोड़ देता है, तब तंग घबरा रहा था कि जंगकुंग उसे हिट करेगा और इस वजह से वो जो हर वक्त सिर्फ शांत था। फिर जंगकुंग तंग के हाथ को पकड़ता है और डोर को ओपन करते हुए जो जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तब तंग घबराने लगता है और घबराते हुए कहता है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं अभी भी नाइट ड्रेस में हूँ। तब जंगकुंग तंग को पर्सन तक स्कैन करता है जो अभी भी अपने नाइट शर्ट और नाइट ट्राउजर में था। तब इसे देखकर जंगकुंग स्मार्ट करते हुए कहता है, मैं इसे इतने टाइम से क्यों नोटिस नहीं किया था, तुम देखने में एक डिजर्ट की तरह लग रहे हो, मैं क्या तुम्हें खा लूँ या तो ब्रेकफास्ट करूँ, मैं कॉन्फ्यूज हो रही हूँ। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तब जंगकुंग तंग के करीब फिर से आने लगता है। तब तंग कहते, नहीं मैं जाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे टच मत करो। तब जंगकुंग एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, दैट्स लाइक ए गुड बॉय, और अगर तुम ऐसे ही बाहर निकलना चाहते हो तो फिर फिक्र मत करो, जल्दी ही स्टाइल में बदल जाएगा। और ये कहकर जंगकुंग तंग को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है। तब तंग अभी भी डर रहा था और सिर्फ अपने हाथ की तरफ देख रहा था। तब जंगकुंग अपने ड्राइवर को अपने कोल वॉइस में कहते हैं, कार को ड्राइव करो बिना पीछे मोड़े। तब वो हाँ कह देता है और कार को ड्राइव करने लगता है। तब जंगकुंग की नज़र तंग की तरफ जाता है जो अपने हाथ से खेल रहा था। तब जंगकुंग इस बार सॉफ्टली तंग के हाथ पर अपने हाथ रखता है। तब तंग अचानक से डर जाता है। तब जंगकुंग अपने काम वॉइस में कहते हैं, इतने ज़्यादा डरते क्यों हो। तब तंग कहते हैं, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो फिर तुम भी समझ पाते। तब जंगकुंग अपने कोल भर्स में क्या था कुछ भी समझ नहीं पाती। बाय द वे, मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, मुझे कुछ बोलो। तब तंग जंगकुंग की तरफ देखता है। तब जंगकुंग कहते हैं, मुझे ऑनेस्टली आंसर चाहिए, और अगर तुम ऑनेस्टली आंसर नहीं दे पाते हो तो फिर आई थिंक मुझे सच में अब तुम्हारे साथ तो कुछ करना ही होगा। तब तंग जो फिर से डर जाता है और डरते हुए कहता है, मेरा डैड का नाम है मिस्टर किम, और तभी तंग और कुछ भी नहीं कह पाता है। तब जंगकुंग कहता है,
मिस्टर किम के सन हूँ। तब तंग सोली हम अपने से ढिला देता है। तब जंगू कहते मिस्टर किम के सन होकर इतने ज़्यादा डरते भी हो। तब तंग जंगू की तरफ शौक होकर देखने लगता है। तब जंगू कहते मुझे जितना दूर पता था मिस्टर किम तो तुमसे पूरी तरह से उल्टा है। तब तंग कहते मैं कैसे जान सकती हूँ कि मैं कैसे होंगी, मैं खुद की तरह हूँ। तब जंगू कहते हुए कहते रियली जो भी हो मैं कौन से प्यार करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मतलब सिर्फ और सिर्फ तुमसे है जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। आई एम राइट बेबी बॉय। तो फिर अब जबकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर ही रहे हैं तो फिर मैं भी बोल दूँ, मेरा नाम जीवन जंगूक है, मैं जीवन कॉम्पोजिशन की सीईओ हूँ और तुम जानते ही हो कि मैं टॉप 1 बिजनेसमैन हूँ अब सियोल के, और तुम्हारी डैड मेरी अंडर में है, और उसके साथ तुम ये भी जानते होंगे कि मेरी फर्स्ट में एक गर्लफ्रेंड था जिसके साथ मैं खुश थी और हम लोग की ऑलमोस्ट शादी होने ही वाला था, पर हमारी शादी के 1 वीक पहले उसकी एक एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी। तब ये सुनकर तंग जंगू की तरफ शौक कर देखने लगता है। तब जंगू कहते हैं इस तरह से मत देखो। तब तंग कहते अगर उसकी डेथ हो गई है तो फिर तुम्हें फिर से गर्ल को ढूंढना चाहिए था, मैं क्यों। तब जंगू खसते हुए कहते शायद अगर वो अब तक जिंदा होता तब भी मैं तुम्हें ही सुस करती और उसे शायद डिवोर्स दे देता, क्योंकि तुम उससे भी शानदार ब्यूटीफुल हो और तुम्हें देखकर मुझे कुछ फील होता है और इससे वजह से मैं तुम्हें सुस क्या हो और शायद मैं सच में उसे छोड़ देती। तब तंग सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगू फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं मेरी फैमिली में मेरी मॉम डैड नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मॉम डैड हम दोनों को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इस बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं तुम और हम दोनों एक साथ रहेंगे और यही हम दोनों के लिए काफ़ी है, राइट जीवन तंग। तब तंग अचानक से न्यू सरनेम सुनकर पूरी तरह से शॉक था और वो घबराते हुए कहते मैं किम हूँ। तब जंगू अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं कितनी टाइम लगेगा जीवन बनने में, अगर अभी चाहते हो तो फिर अभी बना दूंगी, इतने ज़्यादा घबराओ मत। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा डरते हुए और कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगू कहते आंसर करो बनना चाहते हो। तब तंग फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब इस बार जंगू गुस्से में आ जाता है और तंग को जो तुरंत अपने पास खींच लेता है और उसके उसके अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैप करते हुए कहता है मुझे आंसर सुनना पसंद है ना कि चुप रहना। तब तंग सोली नाम अपने सिर हिला देता है। तब जंगू कहता है ये क्या था। तब तंग फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगू किस बार चिल्ला कर कहते हैं एक क्या था, मैं तुमसे कुछ पूछा हूँ जीवन तंग मुझे आंसर करो। तब तंग घबराते हुए कहते मैं ना कह रही थी। तब जंगू कहते कौन से एंगल में तुम ना कह रहे थे, मैं इसे ना समझूँ या तो हाँ समझूँ, अगर मैं इसे सिंगापुर के हिसाब से देखूँगी तो फिर ये हाँ होगा, तो फिर मैं कैसे हाँ समझ लूँ। तब तंग तुरंत कहते नहीं मैं उस तरह से नहीं कह रहा था, प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मैं ना कह रही थी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब जंगू के सुनकर हंसता है और कहता है दैट्स ग्रेट, क्योंकि मैं इस सिर हिलाकर बातें सुनना पसंद नहीं करती हूँ और अगर तुम दोबारा से ऐसा करे तो फिर मैं उसे हाँ में ही समझ लूँगी। तब तंग कहता मैं नहीं करूँगी। तब जंगू के सुनकर स्मार करता है और तंग के लिप्स पर एक पिक करता है। तब तंग सिर्फ अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद वो लोग जो रेस्टोरेंट में आ जाता है, रेस्टोरेंट में आने के बाद तंग और जंगूक जब कार से निकलते हैं तब तंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तब जंगूक तंग के हाथ को पकड़ लेता है। तब तंग जंगूक की फिर से टच से शॉक था पर वो जो एक भी बातें तक नहीं करता है। फिर जंगूक तंग को लेकर VIP सेशन में चला जाता है जहाँ पर ऑलरेडी जंगूक की सीट बुक किया गया था। फिर जंगूक तंग को जेंटली बैठने के लिए उसे इशारा कर देता है। तब तंग अपनी सीट पर बैठ जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगू कुल्ले के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है और स्पेशली तंग की हर एक फेवरेट चीज को ऑर्डर किया था। फिर वो अपनी कॉल वॉइस में कहता है तो फिर तुम अब ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होकर यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो राइट। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगू कहते कि उन्हें हम लोग एक साथ एक बात ले। तब ये सुनकर तंग एकदम से शॉक होकर कहते क्या। तब जंगू कहते यस
इससे पानी भी बच जाएगा और इसके साथ हम लोग के टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि मैं अभी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही जाऊँगी। तब तंग तुरंत कहते, नहीं मैं बात नहीं लूँगी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत शौक हो जाता है और कहते, तुम्हें कोल्ड हुआ है और तुम मुझे आप बोल रहे हो? तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे बन सकते हो? हम लोग को हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करोगे और तुम आज यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगे। पहले तुम हॉस्पिटल में जाओगे, मेडिसिन लेंगे और पूरे दिन रेस्ट में रहोगे। तब तंग कहते, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, सिर्फ नॉर्मल कोल्ड है। मैं अगर आफ्टरनून के टाइम पर शावर ले लूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा और मेडिसिन लेना पड़ेगा। तब जंगकुक कहते, मैं बातों को नहीं सुनूंगी। तब तंग कहते, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मेरे आज एक एग्ज़ाम होने वाला है। तब जंगकुक कहते, वो कैंसिल हो जाएगा, फिक्र मत करो, अपनी सिर्फ फूड को इंजॉय करो और हम लोग इसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो अपने रेड कोल्ड आइस के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था। तब तंग और कुछ भी ना कहते हुए जो अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर सोच रहा था कि जंगकुक को कैसे पता उसे ये सारा फूड पसंद है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे डर लग रहा था अगर वो एक क्वेश्चन पूछेगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा रूड लगेगा, या तो जंगकुक उससे कोई ना कोई तो मतलब निकाल ही लेगा, या तो उसकी सत फ्लैट करेगा या तो उसके ऊपर फिर से गुस्से में आ जाएगा। और इस वजह से तंग शांत रहता है और चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करता है। फिर जंगकुक और तंग जो अपनी सीट से उठ जाता है और जंगकुक मनी पे करके तंग को लेकर बाहर आ जाता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है, ये सिर्फ नॉर्मल कोल्ड है। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगी। तब तंग कहता है, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। तब जंगकुक कहता है, चुप रहोगे तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी बातों को सुनोगे, तुम क्या समझ गए हो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? तब तंग को आंसर करने ही वाला था तभी जंगकुक कॉल आने लगता है। तब जंगकुक जो अपने फ़ोन को निकालते हुए जो कॉल को अटेंड कर देता है और कहते हैं, हाँ बोलो क्या हुआ है? ओके मैं आ रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक कॉल को कट कर देता है। फिर वो तंग की तरफ देखता है और तंग को कहते हैं, मेरा ड्राइवर तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर जाएगा, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रही हूँ, पर मैं पता लगाऊंगी कि तुम ठीक हो या फिर नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर देखना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा जियोन तंग। तब तंग जंगकुक की बातों से बहुत ही ज़्यादा डर गया था और सोली हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तंग को बिना कोई आंसर के अपनी कार में बैठ जाता है और उसके बाद वो जो वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक के ड्राइवर तंग को कहते, सर आप क्या अब हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे? चलिए। तब तंग कहते, मैं ठीक हूँ। तब ड्राइवर कहते, पर सर। तब तंग कहते, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे अब यूनिवर्सिटी में जाना होगा, तुम मुझे घर में ड्रॉप कर दो। तब वो कहते, सॉरी सर पर मैं नहीं कर पाऊँगी। तब तंग कहते, अगर तुम मुझे अभी घर में ड्रॉप नहीं करते हो तो फिर मैं जंगकुक को कॉल करूँगी। तब ये सुनकर वो डर जाता है और वो कहते हैं, ठीक है सर। और उसके बाद तंग जो जंगकुक के ड्राइवर के साथ घर में आ जाता है और वो जो थोड़ा सा खुश था कि जो भी हो वो घर में तो आ गया है, चाहे वो ड्राइवर को कितनी ज़्यादा झूठी बातें कहकर क्यों ना डराया है, पर वो घर में आ गया है और वो अब सेफली अपनी यूनिवर्सिटी में जा सकता है, अपने एग्ज़ाम पूरा कर सकता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तंग इस वजह से खुश था और वो ऊपर जल्दी से अपने रूम में जाकर जल्दी से फ्रेश होकर अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाता है। पर वो जब यूनिवर्सिटी में पहुँचता है तब वो पूरी तरह से शॉक था क्योंकि जंगकुक जो वहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट के साथ कुछ काम कर रहा था और मैप को चेक कर रहा था। तब उसकी नज़र अचानक से हॉल रूम की तरफ चला जाता है और वहाँ पर वो तंग को देखता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर अपने दांत को पीसने लगता है कि तंग यहाँ पर क्या कर रहा है, उसने तो मना किया था, पर तंग उसकी बातों को नहीं सुना है और उल्टा यहाँ पर आ गया है। और इस वजह से जंगकुक गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। तब तंग जब नोटिस करता है जंगकुक उसकी तरफ देख रहा है, तब तंग जो जल्दी से जंगकुक की तरफ बिना देखे जल्दी से वहाँ से अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो और उस डार्क आइस के साथ बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता है, जो शायद तंग को ऐसा फील कराता है कि इस आइस से ही जंगकुक एक दिन तंग को हार्ट अटैक देकर मर सकता है और तंग अभी मरना नहीं चाहता है। और वो जल्दी से अपनी क्लास में जाकर
हर वक्त क्लास की तरफ ध्यान देने लगता है और बार बार प्रे कर रहा था कि जिंगुक उसे अब ना बुलाए और उसे अब जाकर डांट न सुननी पड़े। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।